लोग आते ही तसल्ली दे जाते, लोग आते ही तसल्ली दे जाते, तसल्ली नहीं चाहिए, तसल्ली नहीं चाहिए, मेरे भाई का इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, ताकि मेरे भाई के साथ हुआ किसी और के साथ नहीं हो। चोरी करने आया वहाँ पे कैमरे लगा दे और कुछ नहीं आया, उस टाइम की वीडियो दिखाई है, क्यों नहीं दिखा रहे? मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही अपने उसके लिए है, अपने कारण के लिए इल्जाम लगा रहे। मेरा भाई चोर था मिसाल के तौर पर, तो पुलिस को हवाले करते, कानून के हवाले करते, कानून पे क्या भरोसा नहीं था? क्यों नहीं करा उन्होंने? कहते हैं कि चार लोग थे तो दो नहीं आए, तीन नहीं आए, सिर्फ बनने वाला ही हाथ में आया। और वो कैमरे मैन चीज ऑफ मुद्दा कैमरे ही कहा है, उसकी वीडियो दिखाइए। है मेरी माँ और क्या बोले है, इतना बड़ा पहाड़ टूट गया, जवान बच्चा चला गया, मेरी माँ में क्या दुश्मनी होगी? आप ये हमें तसल्ली नहीं चाहिए। हम सब जो लोग आए हैं काय के लिए तुम्हें 50 फोटो खींच लिए, क्या करो? तुम्हारी 100% सही है। और हम लोग, मैं विधानसभा में उठाऊंगा, जब ये मामला आएगा ये पार्लियामेंट में उठाएंगे। ये लड़ाई हम लोग जमीन से लेके जहाँ तक जमीन जाएगी उसके हक के इंसाफ के लिए हम सारे लोग लड़ेंगे। आप ऐसा बिल्कुल ना समझे, और कोई भी चीज है आहिस्ता आहिस्ता होती है, एक साथ नहीं होती है। 5 है जो बच्चे में है वो लोग भी अरेस्ट होंगे। इसी संबंध में हम पहले आपसे मिलने आए हैं, आपकी बात हम लोग सुनते हैं, वो हमारी हक बात है, वही हम लोग जाके आप और आप बिल्कुल ये ना समझे। पूरी समाजवादी पार्टी हम लोग ये संबंध से आए हैं, मैं अमरोहा मुरादाबाद से आया हूँ, ये यहीं के रहने वाले हैं सारे लोग, सब आपके साथ पहले दिन से लेके ये भी साथ में। आप हर आप बहन है, वो आपकी बहनी, हमारे सबके भाई है, और हमें तकलीफ है, हम सिर्फ आपको तसल्ली देने के लिए नहीं आए यहाँ पर। हमारा मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, जिस चीज में धारा में उसी में मुकदमा जो है उसी के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई भी यहाँ पे हम आपको तसल्ली नहीं दे रहे, जाने के बाद अधिकारी से मिलेंगे और अधिकारी परेशानी कोई बात आप हटा बताना चाहिए। और देखिए अभी जब ये मसला होगा उसके बाद में पार्लियामेंट का सेशन चलेगा। मैं इंशाल्लाह इस मसले को पूरी मजबूती के साथ पार्लियामेंट के अंदर उठाऊंगा। दूसरी बात ये है मंत्री जी कि परिवार को नहीं कोई मुआवजे की बात है, इंसाफ मिल जाए, लेकिन हम लोग ही मांगे कि इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। ऐसा है, ये हम लोगों ने जो तुम्हारी बातें थी वो बातें हम लोगों ने लिखी है इसमें। अब ये डीएम साहब को देंगे, ऊपर भी हम लोग मुख्यमंत्री जी तक देंगे। इसमें हमने लिखा है कि 18 जून 2024 के दिन मंगलवार को फरीद उर्फ औरंगजेब की, जो घास मंडी के काला महल थाना कोतवाली निवासी है, कि मामू भांजा रंगरेजान के कुछ शासी तत्वों ने झूल जिसके मृतक के नाम की FIR में बताए गए हैं, ने मृतक की पेंट उतार कर संतुष्टि कर लेके समाज से है डंडे से पीट पीट कर इसे मार डाला, वो मुस्लिम समाज से है। इसके बाद उन्होंने इससे हंगामा काटा, मृतक फरीद की बॉडी पुलिस पब्लिक की मदद से मलकान सिंह अस्पताल लाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। इसमें प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भेजा है। हमारी ये मांग है कि मृतक के परिवार को शासन द्वारा कम से कम 1 करोड़ रुपए की मदद की जाए। किस महानगर के मामू भांजा में एक निर्मम हत्या हुई है, देश संविधान से चलता है, न्याय से चलता है, किसी के दबाव से नहीं चलता है, मात्र जनता के प्रेशर से नहीं चलता है। एक तरफ तो ओपनली हत्या की है लड़के की, फिर दबाव देकर के ये कहते हैं कि धाराएं कम करो, पुलिस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे लोग उनके लोग भी बंद करो। तो ये क्या है,
देश है। उन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की, ये घटना पूरे शहर में आग लगा सकती थी। ये एनएसए के पात्र हैं, सारे के सारे 302 के मुलजिम हैं, तत्काल इनकी अरेस्टिंग की जाए, तत्काल इन पर एनएसए लगाया जाए, किसी के दबाव में इनको वापस न किया जाए, और हम इनके जिलाधिकारी अपने स्तर से उसको आर्थिक मदद करें और सरकार से 1 करोड़ रुपया उसको आर्थिक मदद दिलाएं, जिससे कि जनता में मैसेज जाए कि कभी किसी के साथ इस तरीके का घोर अत्याचार अन्याय नहीं होगा। शहर विधायक धरने पे बैठी थी, उनका कहना था कि गलत फंसाए गए लोग। वो क्या कहती है नहीं कहती है, उनका नेचर उनका कैरेक्टर जाने, जनता की आवाम क्या कह रही है, वीडियो क्या कह रहा है, सच्चाई क्या है, न्याय क्या कह रहा है, वो सही है। अगर वो कह दें कि विजेंद्र सिंह व्यक्ति नहीं है, वो तो महिला है, तो मैं महिला थोड़ी हो जाऊंगा उसके कहने से। उन्होंने कहा किसी दबाव में हम कार्रवाई नहीं करेंगे, अत्याचार अन्याय हुआ है, इस तरीके की धाराएं बिल्कुल नहीं बदलने की कोशिश की जाएगी, और पुलिस अपना काम कर रही है करेगी, और आर्थिक सहायता मेरे स्तर से जो मैं करूंगा अंत में शासन को लिख दूंगा। और इसमें सभी हैं, मोची जी भी हैं, सलमान भाई हैं, सभी लोग हैं, इसमें दल की बात नहीं है, अलीगढ़ के आवाम की शांति का सवाल है। अलीगढ़ शांति का शहर है, इससे कोई आग लगाएगा तो इतना आसान नहीं है, और दबाव देने की कोशिश न करें। दबाव तो हमने बहुत देख लिया है, कल परसों भी देख लिया है।